हर हर महादेव। देखिए, जब भी आप लोग अगर पाठ शुरू कर रहे हैं तो पुस्तक पर शिव पुराण का पहले पुस्तक रखें और उसमें टीका लगाएं, जल का छींटा दें, एक बेल पत्र अर्पित करें, शिव जी के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि बिन साक्षी दीप यही दीपक ही होते हैं जो हमारे कर्मों का साक्षी होते हैं। तो दीपक प्रज्वलित करने से हमारी जो पूजा पाठ होती है वो भगवान तक सीधा पहुंचता है, इसलिए दीपक जरूर प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही अपना पूजा पाठ शुरू करें। और आज हम शिव पुराण का पाठ करने जा रहे हैं, रुद्र संहिता का 7वां अध्याय। तो आप लोग भी, मेरे भक्त भाई बहन जो भी आप लोग सुन रहे हैं, सुनने में कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर खुद पाठ करना चाहते हैं तो पहले शिव पुराण का पुस्तक स्थापित करिए, उस पर फूल, एक बेल पत्र इत्यादि चढ़ा करके और रोली टीका लगा करके दीप जरूर प्रज्वलित करें। दीप जलाने से ही पूर्ण फल की प्राप्ति, क्योंकि भगवान तक यही अग्नि देवता ही हैं जो हमारा पहुंचाते हैं। तो हम एक दीपक जरूर जला करके प्रज्वलित करके फिर शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। अगर सुन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो चला करके सुने। तो आज रुद्र संहिता का 7वां अध्याय, कल 6ठा अध्याय तक हुआ था। मैं सावन महीने में कोशिश करूंगी कि शिव पुराण ख़त्म हो जाए, रोज़ 1 अध्याय 2 अध्याय जितना भी हमसे पाठ करते बनेगा उतना मैं पाठ करके वीडियो बना करके डालूंगी। आप लोग भी ज़रूर सुनिए, शिव पुराण ज्ञान की गंगा है, जो भी इसे सुनता है मन से या न मन से, कहते हैं भाव से या कुभाव से, जैसे भी भगवान का नाम स्मरण हो जाए वही हमें पूर्ण फल की प्राप्ति कराता है। तो शिव पुराण में जो भी भगवान की जो कथाएं हैं उसको जो सुनता है उसे शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। तो सावन महीने में मैं कोशिश करूंगी कि शिव पुराण पूरा ही पाठ सुना सकें, वैसे महादेव की जो कृपा होगी वही होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे साथ सब बोलो हर हर महादेव। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, स्वेच्छावश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवाद ग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना, उसके ओर छोर का पता न पा करके दोनों में उसे प्रणाम करना। आज की यही कथा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षे, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छा व सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपने माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखाएं से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना।
मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इससे इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुने, मैं उस कमल की एक नाल में गया, सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने की उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोष को न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने आपको जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्नपूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहाँ सहसा प्रकट हो गए। और उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा पर धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित तो हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित तो हो रहे थे। उस समय उन सद सत्पुरुष सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहाँ उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। उसके बाद नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहाँ हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका ओर छोर नहीं मिला। मैं थककर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसका कोई नाम है और न कर्म ही है। लिंग रहित तत्व ही यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों न हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों ही वहाँ नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। ये 8वां अध्याय। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले हैं तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ
उन सुर श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का, अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदनंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरीयातीत अमल निष्कल निरुपद्रव निर्द्वंद अद्वितीय शून्यमय ब्रह्म अभ्यंतर के भेद से रहित ब्रह्मांतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थिति आदि मध्य अंत से रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें, मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते ही श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र हैं, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है, वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। वह परम कारण रित सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर पर ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कल्याण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीजी है, बीज मात्र के स्वामी हैं। अकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि हैं, प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है, उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित हैं। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह स्वर्णमय अंडर के रूप में ही बताने योग्य था, उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के दो टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर दो भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थिति हुआ, सुवर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वहीं धूलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था
वही यह पांच लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिनकी क संज्ञा है वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग रूप स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, यह बात ऐसे ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का अस्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप पांच मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार पराक्रमी महापराक्रमी महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दहिना और ईकार बायां नेत्र है। ऊकार को उनका दहिना और ऊकार को बायां कान बताया जाता है। रीकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और रीकार बायां लरी और लरी ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी होष्ठ है और एक अयकार अधर ओकार तथा अवकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की दो दंत पंक्तियां हैं। अन और अह उन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि पांच अक्षर उनके दहिने पांच हाथ हैं और च आदि पांच अक्षर बाएं पांच हाथ हैं। ट आदि और त आदि पांच पांच अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व, भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर स तक सात अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की सात धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और छकार को मेढ्र मूत्रेन्द्रीय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देख कर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें पांच कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्त्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार पांच मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदनंतर ऋक, यजुः और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईशों के मुकुट मणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुण सदाशिव हैं,
जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं, महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक सांब शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभु।